अस्सलाम वालेकुम। आई एम आकिब रंधावा, लेक्चरर एट टैम इंस्टीट्यूट मुल्तान। इन द लास्ट लेक्चर ऑफ कम्युनिटी न्यूट्रिशन आई डिस्कस अबाउट द नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे विच वॉज कंडक्टेड इन 2018 एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। नो आई डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम कवरेज विच इंक्लूड डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो वार्म किलर की मेडिसिन दी जाती हैं, उनको पेट में जो वार्म हो जाते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स कुछ होते हैं उनको किल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसे डीवॉर्मिंग मेडिसिन कहेंगे, ठीक है। डीवॉर्मिंग मेडिसिन में यह है कि ओनली 13% चिल्ड्रन एज 24 to 59 मंथ वर रिपोर्टेड टू हैव बीन गिवन डीवॉर्मिंग मेडिसिन इन द 6 month प्रायर टू सर्वे, के उन्हें 6 month प्रायर टू सर्वे उन्हें मेडिकेशन दी गई जस्ट 13% को, विच लोअर कवरेज इन अर्बन के अर्बन में वो 10% था और रूरल में वो था 15% तक, ठीक है। डिवॉर्मिंग बाय लोकली अर्बन एंड रूरल वो ओवरऑल था 13%। डिवॉर्मिंग किलर मेडिसिन दी गई कि जो कीड़े मार दवाई देते हैं बच्चों को, ठीक है, और उसमें था पूरे पाकिस्तान में 13% और रूरल में वो था 14% एज वेल अर्बन में वो था 10.7%। उसके अलावा डिवॉर्मिंग की मेडिसिन की जो कवरेज है पाकिस्तान में वो हाईएस्ट कवरेज देखी गई है इसमें गिलगित बल्तिस्तान में, देन पंजाब में 14% है, एंड लोअर है आईसीटी में। आईसीटी क्या है, इस्लामाबाद सेंट्रल टेरिटरी है जो इस्लामाबाद के एरिया है उसमें सबसे लोअर है, एंड जो केपी का जो न्यूली जो मर्ड एरिया है एनएमडी न्यूली मर्ड एरिया जो है जो कि अभी केपी के में मर्ड हुए हैं उसमें 6.7% है। नेक्स्ट इज इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन फीडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। फीडिंग प्रैक्टिसेस में एक तो ब्रेस्ट फीडिंग आएगा, कंप्लीमेंट्री फीडिंग आएगा। उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो WHO के गाइडलाइंस हैं, जितनी भी डाइटेटिक एसोसिएशन है उनकी गाइडलाइंस है, कि उसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील कर रही हैं न्यूट्रिशन को उनकी गाइडलाइंस हैं, यूनिसेफ की गाइडलाइंस हैं कि 6 month एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, के जो मदर का फर्स्ट फीडिंग जो होती है जिसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, और बच्चों को जो न्यूनेटल इन्फेंट्स होते हैं उनको वही मिल्क इंड्यूस करवाना चाहिए बजाय इसके कि उन्हें किसी और चीज़ के साथ स्टार्ट करवाएं, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ये कि 6 month ऑफ प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग विदाउट ऑफ इंट्रोड्यूस एनी फूड आर लिक्विड्स, के फर्स्ट 6 month हमने बच्चों पे किसी भी किस्म का लिक्विड इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, ना कोई फूड इंट्रोड्यूस करवाना। एंड कंप्लीमेंट्री फीडिंग क्या है कि व्हेन ब्रेस्ट मिल्क डू नॉट कम्पीट या मीट अप द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओवर बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन, देन अ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट अलोंग विद ब्रेस्ट फीडिंग, के ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ उन्हें फूड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बेबी को आफ्टर 6 month, ठीक है। उससे उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी होती है, ठीक, क्योंकि उनके ऑर्गन मच्योर हो गए होते हैं 6 month तक, तो उनको फर्दर उनको डाइटरी सोर्स चाहिए होता है अपनी एनर्जी मीटअप करने के लिए। इन नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 फाइंडिंग डेट आर अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग है जो कि 6 month के बाद भी कंटिन्यू रहना अप टू 2 year तक, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग आर शोन एन अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम 2011 के 2011 के बाद उसमें प्रोग्रेशन आई है, लोगों को अवेयरनेस हुई है, ठीक है। अब उसमें कुछ पॉइंट्स उसमें प्रोपोर्शन इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2011 में जो सर्वे कंडक्ट हुआ था। ब्रेस्ट फीडिंग पे आते हैं सबसे पहले, ब्रेस्ट फीडिंग का हमारी टारगेट ये है कि हमने 50% तक मिनिमली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टारगेट करना है कि 50% तक हमने पॉपुलेशन प्रेगनेंट जो वुमेन्स हैं उनको हमने ब्रेड फीडिंग वुमेन्स हैं उनको हमने 50% मिनिमली क्राइटेरिया के जिसपे हमने टारगेट एरिया सेट करना है कि मिनिमम हमने इस साल हमने 50% तक कंप्लीट करना है। वाइल देयर हैज़ बीन आ
स्टडी इंक्रीजिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन सेविंग ब्रेस्ट मिल्क ड्यूरिंग द फर्स्ट और आफ्टर बर्थ इन 2011 टू 2018 के बहुत कम स्पीड ऑफ इंक्रीज हुआ है, थोड़ा बहुत कम प्रोपोर्शन इंक्रीज हुआ है कि जो बच्चे ड्यूरिंग बर्थ के साथ ही उन्हें जब मिल्क ब्रेस्ट मिल्क इंट्रोड्यूस करवाया जाता था, ठीक है। एंड वो था सबसे पहले के 2001 में था 15%, देन क्या हुआ 2011 में वो डिक्रीज हो गया 14% तक आ गया, और नौ कितना है, नौ तकरीबन 47 से 48% है। अब हमारा टारगेट है कि हमने उसे 50% तक लेके जाना है। देन इनिशियल अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन फर्स्ट ओवर जो है वो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 45 से 46% है, और अर्बन और रूरल एरिया में है बहुत मन्यूट सा डिफरेंस है। रूरल एरिया में है वो 44% एंड अर्बन एरिया में 47%। एंड नेक्स्ट इज अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन, अर्ली इनिशिएशन का मीन्स मतलब है कि आप फर्स्ट और आफ्टर बर्थ जब उन्हें फीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं बच्चों को, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है वो इसका रेट है बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा रेट है, और गिलगित बल्तिस्तान में कम है। इसका लिंक नहीं है कि अवेयरनेस, इसका लिंक अवेयरनेस है, इसका नहीं है, पॉवर्टी से लिंक नहीं है कि अवेयरनेस है, जितनी अवेयरनेस होगी ठीक है उतना ही ज़्यादा रेट इम्प्रूव होगा। द प्रैक्टिस ऑफ अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वेरीज फ्रॉम 21% इन गिलगित बल्तिस्तान टू 61% बलोचिस्तान के, सबसे लोएस्ट है गिलगित बल्तिस्तान में 20% और सबसे जो हाइएस्ट है वो 61% है बलोचिस्तान में। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन जो फर्स्ट, और जो देखा गया कि इनका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसके हिसाब से इसकी क्या रेंजेस बनती है, कि जो पुअरेस्ट हैं उनमें 46% पॉपुलेशन में, जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है 46% है जो कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देती है मदर, एंड मिडिल जो एवरेज है उनमें 44% है, जो उसके अलावा मिडोकर पर्सन है उनमें 46% है, रिचेस्ट पर्सन है उनमें 45%, मीन इनमें इतना डिफरेंस नहीं है कि इसका मतलब है कि जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है उसका कोई लिंक नहीं है, जस्ट अवेयरनेस की सारी स्कीम है। देन एक्सक्लूसिव ब्रेड फीडिंग बाय प्रोविंस एंड रीजन्स के, पाकिस्तान में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का ट्रेंड क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखा गया है केपीके में, केपीके में कितना 60.7, और केपीके जो न्यूली मर्ड एरिया है उसमें है 59%, और सबसे लोएस्ट है एजेके में, बता जम्मू एंड कश्मीर में, और पंजाब में 44% है, आईसीटी में है 57%। देन बर्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान के, प्रैक्टिसेस में आता है कि कब इंट्रोड्यूस करवाते हैं बर्ड फीडिंग और उसका कितने पीरियड तक उसे कंटिन्यू रखते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेड फीडिंग जो होती है फर्स्ट 6 मंथ ऑफ ब्रेड फीडिंग विदाउट ऑफ इंट्रोड्यूस एनी फूड्स वो है 48.4%, ठीक है। हमारी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 48% मदर्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली ब्रेड फीड करवा रही हैं बेबीज को, एंड कंटिन्यू फीडिंग अप टू फर्स्ट ईयर के, एक साल तक जो कंटिन्यू रखती हैं विद कंप्लीमेंट्री फूड्स, जो कंटिन्यू रखती हैं ब्रेड फीडिंग को वो है 68.4%, एंड कंटिन्यू ब्रेड फीडिंग अप टू 2 ईयर्स वो है 56.5%। WHO की, उसके अलावा जितनी भी हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनकी यही सुजेशन है कि 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेड फीडिंग, देन कंप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी, वीनिंग अप टू 6 मंथ वीनिंग स्टार्ट करनी। वीनिंग क्या है, जो फर्स्ट फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना बच्चों को आफ्टर एक्सक्लूसिव ब्रेड फीडिंग, जो फूड स्टार्ट करवाते हैं उसको वीनिंग कहते हैं, ठीक है। जिस प्रोसेस को वीनिंग कहते हैं जब हम ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये है कि अप टू 2 ईयर तक हमने कंप्लीमेंट्री फीडिंग के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है मदर ने। देन प्रीवेलेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग इज हायर एट 1 ईयर ऑफ एज, के देखा गया है कि जो फर्स्ट ईयर तक
ये मैक्सिमली है कि मदर जो है फर्स्ट ईयर तक बेबी को कंटिन्यू ब्लड फीडिंग करवाती हैं, देन उनका रेट डिक्रीज हो जाता है, वो 56 पे चला जाता है। देन इज अ कंप्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान। कंप्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिस मीन के ब्लड फीडिंग के फौरन बाद 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्लड फीडिंग के बाद जब हम उन्हें फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री फीडिंग। एन अप्रोप्रिएट कंप्लीमेंट्री फीडिंग इज असेंशियल एडिशन टू ब्लड फीडिंग आफ्टर आ चिल्ड्रन इन 6 मंथ ऑफ एज। आ क्वालिटी कंप्लीमेंट्री फीडिंग इज मेजर आर यूजिंग 3 इंडिकेटर। 3 इंडिकेटर हैं जिसकी बेस पर हम असेस करते हैं कि जो इनको कंप्लीमेंट्री फीडिंग हमने इंड्यूस करवाई है वो क्या न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट जो स्टैंडर्ड है उसे फुलफिल कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी। डाइटरी डाइवर्सिटी है कि आप जो उन्हें फूड दे रहे हैं कि जिस ग्रुप से दे रहे हैं उसमें से क्या आप उसके जो बाकी जो ग्रुप्स के फूड थे वो भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लाइक अगर आप उन्हें एप्पल दे रहे हैं तो क्या उन्हें एप्पल के साथ साथ बाकी फूड भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। डाइवर्सिटी ये है कि एक ग्रुप से जिस तरह फ्रूट ग्रुप है, फ्रूट में एप्पल है, ऑरेंज है, फ्रूट में एवोकाडो है, फ्रूट में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स के, कि उनमें मिनिमम 4 से 5 इंट्रोड्यूस करवाना, उसका मतलब उसकी वो डाइवर्सिटी में है। डाइवर्सिटी मीन के डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल या कोई भी ऐसा मेजर फूड ग्रुप इन आ पार्टिकुलर ग्रुप में से जो है उसे क्या है कि उसे हम क्या कहते हैं कि डाइवर्सिटी। देन आप मिनिमल फीड फ्रीक्वेंसी। फीड फ्रीक्वेंसी क्या है कि आप पर डे कितने टाइम मील देते हैं, कि लाइक 3 टाइम देते हैं, 5 टाइम देते हैं, ठीक। ये 3 इंडिकेटर्स हैं कि जिसकी बेस पे हम मेजर करते हैं कि इनका जो कंप्लीमेंट्री फीडिंग की प्रैक्टिस है क्या वो स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। उसके अलावा क्या है एक्सेप्टेबिलिटी डाइट उनकी कितनी है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 फोन ऑल इंडिकेटर आर बी फार बिलो एक्सेप्टेबल लेवल। ये है कि बॉयज़ में है 34.6% देखा गया कि वो अप्रोप्रिएट कंप्लीमेंट्री फीडिंग ले रहे हैं, वो गर्ल्स में 37% है और ओवरऑल जस्ट 35% कंप्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिस इंड्यूस हो रही है बेबीज पे। इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी तक पब्लिक को के ऊपर से जो इन्फेंट फार्मूला मिल्क है उसका इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब देखें कि इम्यूनिटी फैक्टर्स होते हैं, लैक्टोल्ब्यूमिन है, लैक्टोफेरिन है, लैक्टोडेहरिन है, जिनका उसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज हैं जिनका काम क्या है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक। जस्ट वो फैक्टर मदर मिल्क में होते हैं और वो किसी दूसरे मिल्क में वो फैक्टर्स नहीं होते, फार्मूला मिले वो फैक्टर नहीं होते, इसीलिए उनमें डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो ज़्यादा सेंटी बच्चे होते हैं, मम्मी डैडी बच्चे जो होते हैं, बर्गर बच्चे जो होते हैं ना, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। कोई भी अगर किसी भी डिजीज़ का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक, उनमें सबसे ज़्यादा जल्दी वो अफेक्टेड होंगे। हमने देखा है जिस तरह वो गाँव में जाते हैं, बच्चे ऐसे ही घूम फिर रहे होते हैं मिट्टी में, उनकी ना कोई उन्हें कोई डिजीज़ लगती ना उन्हें कोई और इशू आता है, बजाय इसके कि जो सिटीज़ में मोस्टली देखा गया मम्मी डैडी बच्चे जो होते हैं पेम्पर बच्चे जो होते हैं जो वो क्या करते हैं उन्हें थोड़ी सी आवाज़ें आनी है तो वो उन्हें फीवर हो जाना है कि उनमें इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। इसलिए एक्सक्लूसिव 6 मंथ ब्लड फीडिंग इज असेंशियल फॉर एडिक्वेट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ। देन अप्रोप्रिएट कंप्लीमेंट्री फीडिंग जो है उसका रीजन के हिसाब से, प्रोविजन के हिसाब से क्या सेंस है उसकी, कि जो मिनिमली शो किया गया वो येलो से शो किया गया, जो मैक्सिमली है वो येलो से शो किया गया, मिनिमली को जो डार्क रेड रेड से शो किया गया है, कि सबसे ज़्यादा जो है वो केपी में 45% है, बलोचिस्तान में 22% है, देन सिंध में 43% है, पंजाब में 35% है और ये गिलगित बल्तिस्तान में 40% है, कि ये जो कंप्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं बच्चों को। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, के जो पॉपुलेशन मिनिमली डाइवर्सिटी मिनिमम डाइवर्सिटी के फॉलो करें। मिनिमम डाइवर्सिटी का मतलब है कि जितने अगर एप्पल अगर फ्रूट्स हैं जितने भी फ्रूट्स आते हैं वो मिनिमली 3 to 4 जो उस ग्रुप्स के ग्रुप से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक। अगर वेजिटेबल है वो 3 से 4 टाइप की वेजिटेबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों को, ठीक है।
उसे कहते हैं मिनिमल डाइवर्सिटी, ठीक है, वो है 14% जस्ट के, 14% फैमिलीज ऐसी हैं जो के बच्चों को ड्यूरिंग कम्प्लीमेंट्री फीडिंग उन्हें डाइवर्सिटी होती है उनकी डाइट में, वरना एक ही टाइप का सोर्स ऑफ डाइट उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है। देन मिनिमल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, आप एक दिन में कितने टाइम मील स्टार्ट करवा रहे हैं। सबसे बेस्ट वे ये है कि आप जब बच्चों को कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करवाएं, एक तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखें, जो आपने 3 टाइम देना 5 टाइम दें, लेकिन उनके कैलोरी जो पोर्शन वो कंट्रोल कर लें पर टाइम, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है कि उनमें हमेशा उन्हें लो कैलोरी जो लो टेस्ट फूड दें उन्हें वो इंट्रोड्यूस करवाएं, कभी भी हाई टेस्ट फूड इंट्रोड्यूस नहीं करवाने, लो टू हाई लेके जाएं। जब आप उन्हें हाई टेस्ट फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उनके टेस्ट बुड डेवलप हो जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसीलिए जो वो फिर जब बड़े होते हैं तो वो जो वेजिटेबल्स नहीं खाते, इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी उनके टेस्ट बुड डेवलप हो गए होते हैं इसी के अकॉर्डिंग। मिनिमली एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, 3.6% बच्चों में। देन अर्बन एंड रूरल में इन्होंने फर्दर रिवीजन की हुई है कि इनमें क्या सिनेरियो है। अर्बन में फिर भी कुछ ज़्यादा है, रूरल में कुछ इश्यूज हैं, रूरल में काफ़ी कम है क्योंकि अवेयरनेस का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। देन आर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस बाय प्रोविजन और रीजन, वही जो गिलगित बल्तिस्तान में मिनिमली जो एक्सेप्ट है एक्सेप्टेबल डाइट है वो गिलगित बल्तिस्तान 3.5% है। मिनिमली मील जो फ्रीक्वेंसी इसको ब्लू सेट नोट किया गया है और ये पिंक सेट नोट किया गया है जो मिनिमम डाइट डाइवर्सिटी है, और येलो सेट नोट किया गया मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट है, कि इस रेंज से हमें आइडिया होता है कि इनका कितना परसेंट है जो कि मिनिमली डाइट एक्सेप्टेबिलिटी डाइट ले रहा है, जो मिनिमली मील फ्रीक्वेंसी ले रहा है, या मिनिमम ही वो डाइट डाइवर्सिटी है उनकी डाइट में। देन वन इन द 7 चिल्ड्रन मीन 14% ऑफ चिल्ड्रन विद द एज ऑफ 6 to 24 months जो कि विद इन 22 ईयर रिसीव अ मील विद मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी विच विद द एट लीस्ट 4 डिफरेंट फूड ग्रुप्स। वन इन 4 चिल्ड्रन रिसीविंग द मिनिमम नंबर ऑफ मील अ डे, के जस्ट 16 to 18% बच्चे हैं जो कि जिनमें मिनिमली जो के मील फ्रीक्वेंसी इंटेक कर रहे हैं, और जो मिनिमम डाइवर्सिटी है वो 14% है। देन ट्रेंड इन कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में ट्रेंड जो था वो अब कुछ इम्प्रूव हो रहा है पहले काफ़ी इशूज से। एंड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंडिकेट्स एज फार बिलो एक्सेप्टेबल लेवल, डिसबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन के बच्चों में हेयरिंग, उसके अलावा उनमें वॉकिंग की या देखने की सेल्फ केयर की, इसके अलावा मेमोरी इश्यूज आना, ये कितने परसेंट होते हैं, ठीक है। बच्चों में छोटे बच्चों में विद इन 60 मंथ, ठीक है, लाइक 6 to 7 ईयर तक उनमें विजन का इशू आता है 1.2%, हेयरिंग इशू आता है 1.5%, एंड वर्किंग इशू आता है, फिजिकल डिसेबिलिटीज आती है 2.6%, और मेंटेलिटी रिमेंबरिंग डिफिकल्टीज आती है 4.5%, एंड सेल्फ केयर 8.5%, एंड कम्युनिकेशन 5.6%, एंड फर्दर द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन विद फंक्शनल डिसेबिलिटी इन लेटेस्ट ओनडोमिन इसमें क्या क्या है 12%। नेक्स्ट है कि गर्ल्स एंड बॉयज में क्या सिनेरियो है डिसएबिलिटी का, ठीक है। अगर हम विजन को देखें, विजन में 1% है बॉयज में, 1.3% बॉयज में, 1% गर्ल्स में। हेयरिंग में इनका सेम है दोनों का, और बाकी में 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, बॉयज लीड कर रहे हैं यहाँ पर 2.7 से, और रिमेंबरिंग में 4.8 से लीड कर रहे हैं बॉयज। देन सेल्फ केयर में भी बॉय लीड कर रहे हैं जस्ट 2.2 पॉइंट से। देन कम्युनिकेशन में इनका भी बॉयज लीड कर रहे हैं विथ 3+ पॉइंट्स। देन एडोलेसेंट्स गर्ल्स एंड बॉय के 10 to 20 के बिलो जो एज होती है उसे हम एडोलेसेंट एज कहते हैं, ठीक है। इस एज में क्या होता है कि हमारी इतनी ग्रोथ नहीं होनी होती, इसमें एक स्लो एंड स्टेडली
हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है, ग्रोथ होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 16 ईयर से हम जब भी प्लस जाते हैं तो हमारी रैपिडली ग्रोथ स्टार्ट होने लग पड़ती है। ठीक है, अबाउट 2/3 ऑफ द सैंपल एडोलेसेंट गर्ल्स, उन्होंने जो सैंपल लिया 2/3 सैंपल जो उन्होंने डिफरेंट किस्म के कम्युनिटी सर्वे से लिया, जो इन्होंने नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में कनेक्ट किया, कि इन्होंने कहा कि 2/3 ऑफ जो एडोलेसेंट गर्ल्स है जिनकी एज 10 से 19 ईयर तक है, वो 62.9% वो रूरल एरिया में रह रही हैं और 37% अर्बन एरिया में रह रही हैं। नेक्स्ट द मेजोरिटी ऑफ द गर्ल्स 94.7% इन द सर्वे सैंपल वाज आर नेवर मैरिड, के इतनी एज तक 20 से बिलो जो हैं 95% की मैरिड नहीं है और 5.2% है जो कि करंटली मैरिड हैं अंडर द एज ऑफ 18 ईयर। अ लार्ज प्रोपोर्शन 38% ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स बिलोंग टू द टू हाइस्ट वेल्थ क्वांटाइल्स ऑफ द सैंपल एडोलेसेंट बॉयज जिनकी एज है 10 से 19 ईयर तक 63% है जो कि रूरल में रह रहे हैं और 36% अर्बन में रह रहे हैं। नेक्स्ट इज एडोलेसेंट न्यूट्रिशन, एडोलेसेंट की न्यूट्रिशन क्या है कि जो नॉर्मल है बॉयज में, जो उनकी न्यूट्रिशन के सेंस में देखा जाए को जो उनका वेट टू हाइट रेशियो के सामने देखा जाए जो नॉर्मल है वो 61% है जिनका एक आइडियल है। ठीक है, और 71% गर्ल्स हैं जिनका आइडियल है, और अंडरवेट में है जो अंडरवेट में वो 21% है बॉयज़ और 11% गर्ल्स हैं, ओवरवेट 10% बॉयज़ हैं, 11.4% गर्ल्स हैं, एंड ओबेसिटी में भी 7.7% बॉयज़ हैं और 5.5% गर्ल्स हैं। फर्दर आ नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 आई शोन डेट ऑलमोस्ट आ 1 in 8 एडोलसेंट गर्ल इज अंडरवेट, 8 में से एक जो गर्ल है वो अंडरवेट है। एडोलसेंट बॉय आर द मोर अफेक्टिव देन एडोलसेंट गर्ल, के एडोलसेंट बॉयज वो ज़्यादा मालनोश है एज कम्पेयर टू एडोलसेंट गर्ल्स, के उनमें 5 में 1 है। लाइक गर्ल्स में क्या है, 8 में से 1 गर्ल है जो कि अंडरवेट है, और बॉयज़ में क्या है कि 5 में से 1 है जो कि अंडरवेट है। मोर एडोलसेंट गर्ल्स आर ओवरवेट एज कम्पेयर टू दियर मेल पियर, के गर्ल्स हैं वो 11% है उनमें ओबेसिटी होने का जो रिस्क है, और बॉयज़ में है 10% जो कि इन फाइंडिंग से हमें पता चला है। ओबेसिटी इज़ अ पब्लिक हेल्थ इशू ऑफ कंसर्न इन पाकिस्तान विद 7.7% ऑफ द एडोलसेंट बॉयज़ एंड 5.5% ऑफ द एडोलसेंट गर्ल्स आर अफेक्टेड, के जो कि बैटरी से अफेक्टेड हुए 7 to 8% तक। ओवरवेट एंड द बेस्टी अफेक्टेड एडोलसेंट आर सिमिलर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, का इतना कंपैरिजन का डिफरेंस नहीं है, रूरल में हो या अर्बन में हो इनमें सेम ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।